नमस्कार, नियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अब नजर डालते हैं टॉप खबरों पर और देखते हैं टॉप न्यूज। राधाकुंड नगर पंचायत में लोगों की सुविधा के लिए आरओ पिछले कई सालों से लगा हुआ है, लेकिन वर्तमान में यह आरओ पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसके चलते करीब 6 माह से लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस आरओ के कार्ड भी बनवा रखे हैं तथा तय राशि महीना होने पर भी जमा करते हैं, लेकिन बावजूद इसके आरओ को ठीक करने वाला कोई नजर नहीं आता और न ही नगर पंचायत को इसकी सुध है। स्थानीय लोग कहते हैं कि कई बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। 3-4-5 महीने से बंद है मेरे ख्याल में, और लोगों को तो बहुत असुविधा की हमको झेलना पड़ रहा है। जो ये आरओ का पानी है, प्लांट है यहाँ पर, पूरा राधाकुंड जो गांव है पूरा ही इसका सुविधा लेता है, और 5 महीने से समथिंग बंद है ये, इसकी असुविधा तो हो रही है सर। क्या कमी है इसमें वर्तमान में, कैसे बंद है क्या था? ये तो सर पता नहीं है, परंतु इतना है कि जो ये बंद है वो भी नहीं देखता है, जिसका मालिक है वो भी नहीं आता है यहाँ पे, कूड़ा गजगढ़ पड़ा रहता है 3-4 दिन पहले से। राजू? अच्छा, वो आते नहीं यहाँ पे? नहीं, वो मतलब चौकीदार हैं यहाँ के राजू, तो चलाने वाले हैं वो दूसरे हैं। कम से कम 4-5 महीने हो गए इसको खराब पड़े हुए। तो नगर पंचायत या अधिकारी भी देखता नहीं, चारों कोई नहीं देखता। जितने भी लोग आते हैं सब हमको परेशान करते हैं, भैया क्यों नहीं चल रहा है, क्या हो गया इसमें, मैंने ख़राब हो गया है, तो दोबारा चालू होने वाला नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो ये चाहते हैं कि चालू हो, पानी सब पिए, हम भी पिए, हम भी परेशान है। कार्ड बनवाया हमने 300 रुपये का, तो बेकार जा रहा है। 10 रुपये रोज? हाँ,